नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आइए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। आज सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। और भूपेंद्र कैबिनेट में जो जानकारी हमें मिल रही है कि 16 चेहरों को जगह मिल सकती है। सभी 16 विधायकों को फोन जा चुका है। दोपहर 2 बजे होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका हिस्सा होंगे। तमाम जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी इस समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। जितनी बड़ी जीत है उतनी शानदार जो है सेरेमनी होने जा रही है। भूपेंद्र पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, जाहिर सी बात है कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। कौन कौन वीआईपी आ रहे हैं और ये भी है कि 16 विधायकों को फोन गया है शपथ के लिए। बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक कल देर रात तक इसको लेकर मंथन हुआ। करीबन 2-2.5 बजे तक एक मीटिंग चली, उसके बाद आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर भी एक उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई। और अभी तक के जानकारी के मुताबिक 16 लोग ऐसे हैं, 16 विधायक ऐसे हैं जिनको फ़ोन करके शपथ लेने के बारे में बताया जा चुका है। और वो तमाम लोग जो हैं उस बैठक में शामिल भी हुए थे जो फिलहाल आज के दिन शपथ लेने वाले हैं। मैं इस समय गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में मौजूद हूं। यहां पर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। विशाल डोम बनाया गया है, 3 डोम बनाए गए हैं। आप देखेंगे तो ये जिस जहां मैं खड़ा हूं वो मेन डोम है, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक अलग अलग डोम जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह के मेहमान और जिस तरह का भव्य शपथ समारोह होने जा रहा है, मैं आपको मंच भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप अगर मंच देखेंगे तो वो भी 3 तख्ते जो है वो तैयार किए गए हैं, 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। ये मुख्य मंच है जहां पर शपथ विधि का समारोह होने वाला है। कुर्सियां अगर आप देखेंगे तो जो 16 हम बात कर रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी पर्सन हो या फिर कुछ अन्य लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो सकते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ नए नाम जो सरप्राइज़ के तौर पर सामने आते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसकी दूसरी तरफ जो मंच आपको दिखाई दे रहा है वो तमाम बीजेपी शासित मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अन्य जो डिग्निटरीज हैं, मुख्य अतिथिगण हैं, उनके लिए एक मंच ये बनाया गया है। और इसके दाईं तरफ जो शपथ ग्रहण समारोह का मंच है उसके दाईं तरफ साधु संतों के लिए और जो समाज के अलग अलग समाजों के जो अग्रणी हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए एक मंच बनाया गया है। तो ये विशाल मंच जो है, 3 बड़े-बड़े मंच यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल एक बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, और उनके साथ 16 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं, जिनमें कई लोगों को कैबिनेट कक्षा का दर्जा दिया जाएगा तो कई लोगों को राज्य कक्षा का मंत्री बनाया जाएगा। शाम 4 से 5 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होनी है और उसके अंदर विभागों का बंटवारा भी किया जा सकता है। और उसके बाद जिस तरह से ये तमाम चीज़ें, गुजरात सरकार जिस तरह की प्रचंड जीत के साथ इस बार आई है सरकार के गठन को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जाहिर सी बात है एक बड़ा समारोह फिलहाल होने जा रहा है क्योंकि जीत बहुत बड़ी है और उसी बड़ी जीत के साथ एक बड़ा रहेंगे। भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।